नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में पुलिस ने आगामी अनंत चतुर्थी, गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी के दौरान भाईचारा बनाए रखने के लिए शहर में रूट मार्च निकाला। ये रूट मार्च कॉलरी काटा गेट से शुरू होकर सतनाल चौक, गांधी पुतले के पास से होते हुए गोल पुलिया, गणपति वार्ड होते हुए नए बस स्टैंड, रेलवे चौक, पुराना बस स्टैंड, बुद्ध नगर वार्ड, कारवा रोड, मक्का मस्जिद, दीनदयाल वार्ड, न्यू कॉलोनी, कादरिया मस्जिद, पेपर मिल, तीनेका गेट होते हुए बल्लारपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा। इस रूट मार्च का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक मोमक्का सुदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, उप विभागीय पुलिस अधिकारी दीपक साखरे और बल्लारपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सुनील गाड़े ने किया। रूट मार्च के दौरान मंदिर मस्जिद गणेश मंडल के पास रुककर निरीक्षण किया। शहर में पहली बार इस रूट मार्च में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। साथ ही बल्लारपुर के तहसीलदार ओंकार ठाकरे, नगर परिषद मुख्य अधिकारी विशाल वाघ, अपर तहसीलदार कोठारी कोकाटे, महावितरण के अभियंता काटकर भी शामिल हुए। बल्लारपुर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक कंक्रीटवार, गायकवाड़ देवटे पठान, पुलिस उपनिरीक्षक हुसैन शाह, गोविंद चाटे, धनंजय गिन्नलवार, महिला पुलिस उपनिरीक्षक मीनल कापकते, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक गदानंद डोईफोड़े और पुलिस कर्मचारी, महिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स SRP, होमगार्ड समेत 200 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।